वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई संचालित रोबोट उस्ताद किसने विकसित किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट विकसित किया है और इस रोबोट का नाम है उस्ताद, USTAAD। अब ये जो उस्ताद है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उस्ताद की फुल फॉर्म है अंडर गियर सर्विलांस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट ड्रॉइड। तो ये भारतीय रेलवे ने विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये रोबोट करेगा क्या? तो रेलवे के नीचे जो ट्रैक होता है उसको रिकॉर्ड करेगा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इंजीनियर को सेंड कर देगा जिससे कि उसकी रिपेयरिंग की जा सके। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट और इसका नाम है उस्ताद। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी फुल फॉर्म है अंडर गियर सर्विलांस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट ड्रॉइड। क्या करेगा ये रोबोट? रेलवे के नीचे के ट्रैक को रिकॉर्ड करेगा। अब बात आई इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे के प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और एक क्वेश्चन और बन जाता है रेलवे से कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। इतना आप रेलवे के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीबीडी को अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने सीबीडी को अपनी छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने सीबीडी को छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत तो कर दी, लेकिन ये जो सीबीडी लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो सीबीडी की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो सीबीडी की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन ओलंपिक के लिए वेब पेज किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम की हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रोन ओलंपिक के लिए एक वेब पेज लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो ड्रोन ओलंपिक है ये होगा कब? तो ये 20 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2019 तक होगा ड्रोन ओलंपिक, और इसके लिए एक वेब पेज लॉन्च कर दिया है हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आपने ध्यान दिया, मैंने बोला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मैंने आपको कई बार बोला है ये हैबिट आपको डेवलप करनी है, मंत्रालय का नाम लगाकर आप बोलिए, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बोलिए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोलिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोलिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली बोलिए, ये मंत्रालय का नाम लगाकर आप नाम लिया करो, इससे कि आपको मंत्रालय याद रहेंगे। अब यहाँ पे बात आई है ड्रोन ओलंपिक की, तो मैंने आपको बता दिया ये 20 से 24 फरवरी तक होगा, लेकिन इसका आयोजन करेगा कौन? इसका आयोजन करेगा एयरफोर्स। अब निर्मला सीतारमण ने एक वेब पेज लॉन्च किया है, तो निर्मला सीतारमण से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो यही है निर्मला सीतारमण, ये स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है। अब कई बार स्टूडेंट ने मेरे से इंस्टाग्राम पे ये पूछा कि सर पूर्णकालिक का मतलब क्या होता है, हिंदी के कुछ टर्म कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, पूर्णकालिक का मतलब होता है फुल टर्म। तो निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज अवार्ड की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में DIPP ने स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज अवार्ड की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब DIPP ने की है तो DIPP की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। DIPP की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो DIPP की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भुगतान के तौर तरीकों के लिए सर्वेक्षण लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में RBI ने भुगतान के तौर तरीकों के लिए एक सर्वेक्षण लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भुगतान के तौर तरीकों के लिए सर्वेक्षण का क्या मतलब है? मतलब लोग कैसे पेमेंट करते हैं, इसको पता लगाने के लिए RBI ने एक सर्वेक्षण लॉन्च किया है, सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये नाम है इस सर्वेक्षण का, और इसको लॉन्च किया है RBI ने। अब RBI के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, और अभी RBI बहुत चर्चा में भी रहा है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और अभी हाल ही में RBI के 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं शक्तिकांत दास, इनका नाम आप याद रखिए, ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर बने हैं, और यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DCIDS ऑपरेशंस का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में राजीव सचदेवा ने DCIDS ऑपरेशंस का पदभार संभाला है, यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है, ये हैं राजीव सचदेवा, और इन्होंने DCIDS ऑपरेशंस का पदभार संभाला है। अब ये जो DCIDS लिखा है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, DCIDS की फुल फॉर्म होती है डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस का समर्थन करने के लिए सरकार ने किस बैंक में 1,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में माइक्रो फाइनेंस का समर्थन करने के लिए सरकार ने सिडबी बैंक में 1,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिडबी बैंक में निवेश करने की घोषणा की है, तो सिडबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा पर पुस्तिका का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा पर एक पुस्तिका का विमोचन किया है, यानी किस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही है। स्कूली बच्चों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक पुस्तक है, और इसका विमोचन किया है गृह मंत्रालय ने। अब गृह मंत्रालय की बात आ गई तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे गृह मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मंजूरी किसने दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो पॉक्सो एक्ट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों के यौन अपराध से रिलेटेड है ये पॉक्सो एक्ट। ये जो पॉक्सो लिखा है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मैंने आपको बताया पॉक्सो एक्ट क्या है, बच्चों के यौन अपराध से रिलेटेड है, और पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब इसमें संशोधन की मंजूरी दे दी गई है, तो इसमें संशोधन क्या किया गया है? 18 साल से कम का कोई भी व्यक्ति है तो उसे बाल के रूप में परिभाषित किया जाएगा, और अगर अब किसी भी बच्चे के साथ यौन अपराध होता है तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है जो यौन अपराध करेगा। ये संशोधन किया गया है पॉक्सो एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक के साथ धोखाधड़ी करने पर सबसे ज्यादा किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को दंडित किया है? तो अभी हाल ही में 2015 से लेकर 2017 तक की एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में ICICI बैंक ने बैंक के साथ धोखाधड़ी करने पर सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को दंडित किया है, यानी किस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही है। अब ICICI बैंक ने किया है, तो सबसे पहले तो ICICI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ICICI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये होती है ICICI की फुल फॉर्म। अच्छा, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में।
और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम पे? गिरीश चंद चतुर्वेदी प्रेजेंट टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बक्सी प्रेजेंट टाइम पे आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज, ये एक शॉर्ट फिल्म है और इसको एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम की डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कचरे पर बेस्ड ये मूवी बनाई गई, फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। कहाँ की है मूवी? असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कचरा था उसके बेस पर ये मूवी बनाई गई, फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। और इसको अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सभी मलखानों का डिजिटलीकरण किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सभी मलखानों का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि आखिर ये मलखान क्या होता है। तो पुलिस स्टेशन में एक रूम बना होता है जहां पर जब्त किए गए हथियार और गोला बारूदों को रखा जाता है, तो उस रूम को कहा जाता है मलखान। क्या किया जाता है? जहां पर जब्त हथियार और गोला बारूदों को रखा जाता है उस रूम को कहा जाता है मलखान। हर पुलिस स्टेशन में ये मलखान होते हैं। तो मलखानों का डिजिटलीकरण किया है दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने ये डिजिटलीकरण किया है तो दिल्ली पुलिस का मोटो भी पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में दिल्ली पुलिस का मोटो पूछा गया था। क्या है दिल्ली पुलिस का मोटो? शांति, सेवा और न्याय। ये है दिल्ली पुलिस का मोटो। और इंग्लिश में कहें तो पीस, सर्विस एंड जस्टिस, ये है दिल्ली पुलिस का मोटो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अब तक की भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी? तो ये बनी ट्रेन 18, भारत की अब तक की सबसे तेज ट्रेन। यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रिश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।